मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज बनाऊंगी मैं सिंपल पजामा। ये 2 मीटर से थोड़ा ज्यादा कपड़ा है, इसका बनाऊंगी मैं सिंपल पजामा। सिंपल पजामा की इतनी जल्दी तो कटिंग हो जाएगी बहुत ही जल्दी और स्टिचिंग भी बहुत ही जल्दी हो जाएगी। ये मेरे पास है डबल फोल्ड में 42 इंच लंबाई है कपड़े की, वैसे सिंगल में 44 इंच। ये 44 इंच कपड़ा ले लिया मैंने डबल फोल्ड में, 42 इंच हो गया। इसने मैं इधर 4 फोल्ड कर दूंगी, 1 2 3 4 और इब लगाऊंगी मैं इसके पजामे के निशान। ये पहले ऊपर 2 इंच पर निशान लगाऊंगी, ये डलेगा इलास्टिक, ये इलास्टिक का मार्जिन रख लिया और ये निशान लगा दिया इस पे 2 इंच पे। मेरे पजामे की लंबाई है 38 इंच, 38 इंच तैयार रखूंगी मैं पजामा। ये 38 इंच पे ये निशान लगा दिया और नीचे बच गया 2 इंच, दो इंच पूरा ही बच गया। 2 इंच नीचे मोड़ूंगी मोरी पजामे की। ये ऊपर से 38 इंच पर निशान लगा लूँ और बाकी जो बचेगा वो मोरी बना दूंगी मैं इसकी। ये लंबाई होगी 38 इंच, ये 38 इंच पे लगा लिया निशान। मैं पजामा बनाऊंगी 36 इंच कमर का और ये 12.5 ये निशान लगा लिया। आसन लूंगी मैं 11.5 इंच, ये आसन ले लिया और 11.5 इंच पे इधर निशान लगा दूंगी और ये सीधी लाइन खींच दूंगी। ये 2.5 इंच का आगे क्रोच एरिया खातर निशान लगाऊंगी, इसमें ये गुड़ाई होगी और 1 इंच ये निशान लगा लूंगी इस पर गुड़ाई दे दूंगी मैं। ये ऐसे ये दोनों आगे पीछे का 7 में ही निकालूंगी, ये गुड़ाई दे दी और अब लगा लें मोरी का निशान। मोरी रखूंगी 10 इंच खुली और 1 इंच सिलाई खातर बढ़ा दूंगी आगे। और अब सेब पट्टी की मदद से इस निशान पे था और ये इधर मिला दूंगी 11 इंच वाले निशान पे और ये हो जाएगा सिलाई का निशान। इस पे सिलाई लगेगी और ये इस पे कटिंग होगी। पजामे का निशान लगा लिए, 38 इंच लंबाई रखी है, 2 इंच ऊपर तक इलास्टिक में मुड़ जाएगा और 2 इंच नीचे ये जो मोरी हो वो मुड़ जाएगी। 12.5 इंच ये ले लिया और जहाँ से ये रबड़ मुड़ेगा उधर से ले लिया मैंने 11.5 इंच आसन का और 12.5 इंच ये है और 2.5 इंच ये क्रोच एरिया खातर बढ़ा दिया और इस पे से गुड़ाई ले ली। 1 इंच इधर तो ले लिया था, निशान लगा लिया था और 10 इंच की मेरी मोरी है और 1 इंच आगे बढ़ा के ना मार्जिन रख लिया मैंने। सिर्फ एक ही कटिंग होगी इसकी इधर से ही, ये कटिंग कर लेती हूँ और कोई काटा पिटी नहीं करनी इसमें, एकदम सिंपल तरीका है बनाऊंगी ये पजामा में। बस एक ही कटिंग होगी इस पजामे की और कहीं से भी कटिंग नहीं होगी। ये कर ली मैंने पजामे की कटिंग और
और ये भी इनको अलग अलग कर लेती हूँ मैं। एक हिस्सा ये हो गया और एक ये हो गया। ये भी इन पर यूं की यूं रखे पे सिलाई लगा लूंगी। अंदर सीधी साइड है दोनों की, ये उल्टी साइड है और ये उल्टी साइड है। ये भी इस पर मैं लगा लूँ सिलाई, एक इधर लगा लूँ और इधर लगा लूँ। ये सिलाई लगा लूँ पहले मैं। बहुत ही आसानी था मन जाए ये पजामा, बहुत ही इजी तरीका था। ये एक साइड की लगा ली, अब दूसरी साइड लगा लूँ मैं सिलाई। ये दोनों साइड सिलाई लगा ली और ये भी ये खोल दिया। ये देखो ये आसन की सिलाई लगा दी और ये बीच की सिलाई और लगा लूँ। ये नीचे की साइड तक मोरी की तरफ तक सिलाई लगानी शुरू कर दी। ऊपर सिलाई ये बीच मारनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर आगे पीछे का आसन का। ये बीच वाली सिलाई लगा ली दोनों टांगा पे और अब इसको कर लेते हैं सीधा। ये सिलाई लगा ली आसन की भी और ये भी। अब मोड़ूंगी मैं नीचे तय, नीचे लगाऊंगी 2 इंच पर निशान। ये निशान लगाया पाछे सिलाई लगाने में कोई दिक्कत को नहीं होगी। ये 2 इंच पर ये नीचे फोल्ड खातर ये लगा लिया निशान और दूसरी साइड भी यूँ ही लगा दूंगी इसी निशान पर। ये इस साइड भी ये निशान लगा लूँगी, इस पर फोल्ड करके ना सिलाई लगा दूंगी फिर। और ये भी 2 इंच पर लगा हुआ निशान, इस पर भी निशान लगा दूंगी। और इस साइड भी जी भी इस पर बड़ी आसानी तक लग जाएगी सिलाई। ये ऐसे फोल्ड किया और मशीन चला दी, ये ऐसे मोड़ा और ये कराया। देखो निशान लगाने के बाद थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता कपड़ा, एकदम सही ढंग से लाते हैं, ना ही कोई चुन्नट आती ना ही कोई ऊंचा नीचा होता। ये लगी अपनी सिलाई, बहुत आसानी हो जाए निशान लगाने के बाद सिलाई लगाना में। ये देखो एकदम परफेक्ट सिलाई लग गई है। इसी तरह दूसरी तरफ भी लगा लो सिलाई। ये लिया ये निशान पे ऐसे मोड़ा और ये सिलाई स्टार्ट कर दी। ये नीचे भी लगा ली सिलाई, मोड़ दिया और ये रह गया इलास्टिक डालना। इलास्टिक पे भी ऐसे ही करांगे, पहले निशान लगाऊंगी मैं 2 इंच पे। ये 2-2 इंच पे चारों तरफ निशान लगा लूंगी मैं। बहुत आसानी हो जाएगी रबड़ डालना में भी, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा अपना रबड़ डालते हुए कपड़ा।
ये स्केल की मदद से ये सीधे निशान लगा दूंगी। ये एक तरफ लगा दिए, ये दूसरी तरफ लगा दूंगी। ये कटिंग के टाइम लगाया था ना निशान, वो लगे हुआ इस साइड तो, और इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं ताकि रबड़ डालते हुए आसानी हो जाए। ये इलास्टिक का निशान लगा दिया ऊपर तक, मोड़ूंगी जो ये काट लूँ मैं इलास्टिक। ये ले लिया इलास्टिक, इलास्टिक लेऊंगी मैं 28 इंच। ये डबल फोल्ड में 14 इंच ठीक ले लिया। ये दोनों को ये जोड़ लूँगी। ये ऐसे जोड़ लिया और ये जम्मे को मैं उल्टा कर लूँगी इलास्टिक डालने के लिए। ये उल्टा करके ना ये ऐसे रख के ना इसको ऐसे डाल दूँगी इसमें, ये ऐसे रख के ना ये इलास्टिक ऊपर हो जाएगा और कपड़ा नीचे, और ये इधर रखा एक साइड और ये ऐसे निशान पे रखते हुए ये इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, नीचे लगानी है कपड़े के ऊपर। इलास्टिक जो है ये निशान पे ये रखते हुए और ये कपड़े पे चलाना है, एकदम साइड साइड में सिलाई लगानी है। ये बहुत ही आसानी हो जाए ये निशान लगाए यहाँ पीछे। अब ये इसको मैं ऐसे खींच दूंगी इलास्टिक को इस साइड से, थोड़ा और छोटा रह गया इसको एक बार और यूं खींच देंगे। आसानी से डल जाए ये इलास्टिक, ये देखो एकदम कोई चुन्नट नहीं पड़ी, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होया। ये अब ये खींच के ना सड़बट चारों तरफ हो जाएगी, ऐसे खींच देंगे। ये देखो एकदम परफेक्ट तरीके से इलास्टिक डल गया और अब ये पजामा को सीधा कर लेंगे। ये सीधा कर लिया, पूरा तैयार हो गया, सिर्फ एक सिलाई बच गई ये इलास्टिक के ऊपर को सिलाई लगा दो बीच में को। ये ऐसे रखी और ये आगे से भी खींचना पड़ेगा इलास्टिक को और पीछे से भी ऐसे खींच के ना ये सिलाई लगा दूंगी, एकदम सेंटर में लगा दूंगी इलास्टिक पे। ये एक्स्ट्रा धागे भी काट दूंगी। एकदम परफेक्ट तरीके से अपना पजामा तैयार हो गया, चाहे इस साइड तक पहन लो चाहे इस साइड तक, ये आगे पीछे का कोई वो नहीं है इसमें, कुछ ही साइड तक पहन लो, दोनों साइड बराबर है।
सिर्फ एक कटिंग हो गया है और ये सिलाई। ये देखो भाई सिंपल लेडीज पजामा बनके हो गया तैयार, बहुत कम टाइम में, एक घंटा में बड़ी आसानी तक बन जाए है, एक घंटा भी कौन लगता है, एक घंटा तभी कम टाइम लग गया है।